हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त उमेश। गाइस, आजकल इंडिया में हर इंसान के पास स्मार्टफोन है और वो स्मार्टफोन में कहीं ना कहीं सबके पास फ्लिपकार्ट ऐप जरूर है, और जिसके पास फ्लिपकार्ट ऐप है उसने फ्लिपकार्ट से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर खरीदा होगा। तो चलिए अंदर और मैं आप सबको दिखाता हूँ फ्लिपकार्ट हेड ऑफिस बैंगलोर। लेट्स गो। तो फ्लिपकार्ट के पास बेसिकली यहाँ पे चार टावर्स हैं। टावर ए ये लिंक करती हुई टावर बी, और वो रही टावर सी जहाँ पे भी लिंक है टावर बी के साथ। हर एक टावर की अपनी अपनी खूबी और अपनी अपनी फैसिलिटीज है। मैं बैठता हूँ फिलहाल टावर सी में, तो आपको ले चलता हूँ पहले टावर सी। तो जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज हमें मिलती है ना वहाँ पे, ये सारे आपको कवर करके दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा बी और सी टावर का एंट्रेंस। यहाँ पे लगी एक जादुई दरवाजा जो सबके लिए खुल जाता है, हूबहू लॉन्डो के दिल की तरह। एक्चुअली इसमें सेंसर लगा हुआ है, सेंसर की वजह से खुद ब खुद खुल जाता है। और फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे अपना कार्ड स्वाइपिंग वाला गेट है। यहाँ पे कार्ड स्वाइप करके आपको करनी पड़ती है एंटर। खुल जा सिमसिम, ये हो गया एंटर। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अपने फ्लोर पे जहाँ मैं बैठता हूँ। ऑलमोस्ट सारे फ्लोर्स ना बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये है अपना फ्लोर, 9th फ्लोर, जहाँ जीव्स और ई कार्ड का ये लगा हुआ है। तो फ्लोर कुछ अंदर से ऐसा दिखता है, ये सारे सीट से। ये देखिए, अभी हर जगह चेयर्स लगे हुए हैं। आज क्योंकि 26 जनवरी है तो इसलिए ऑफिस पूरा खाली है। और बेसिकली आपको ऐसा नहीं है कि जो डिजिग्नेटेड सीट है आपको वहीं बैठना है, आप कहीं भी बैठ सकते हो, लेकिन आपको उससे पहले सीट बुक करके आनी होगी, जैसे आपको बस में सीट बुक करनी होती है वैसे ही। तो यहाँ पे बुकिंग के लिए हालांकि कोई पैसा नहीं लगता, हमारे पास एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसको डाउनलोड करके हमें अपना सीट बुक करना पड़ता है। हर फ्लोर की सबसे ये खास बात होती है झूले। तो झूले ऐसे लगे होते हैं, आप झूले पर भी बैठ के आराम से काम कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे झूला लैपटॉप लेके आता है कोई, अगर सीट पे मन नहीं लग रहा है झूला पे आके बैठ के काम कर लेगा। टोटल 4 झूले हैं इस फ्लोर पे, तो मस्त अपना। और फिर यहाँ से व्यू देखिए, 9 माले से काफी खूबसूरत व्यू होता है। अभी सनलाइट सनसेट जब होता है ना, और ज्यादा खूबसूरत व्यू होता है। वाओ, वाओ। फिर यहाँ पे भी एक ऐसा एरिया होता है, ऐसे सोफा वगैरह लगा होता है, चार्ट बोर्ड है, यहाँ पे आपकी टीम बैठेगी मन करे तो ऐसे लेट के भी, अगर आपको अगर मन करे हो तो, और लोगों के बीच में इसके लेटने में आपको शर्म ना आए तो आप लेट के भी यहाँ पे आराम से कर सकते हो, लेकिन लोगों के बीच में थोड़ा सा शर्म तो आएगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। उनको मार्कर, डस्टर्स, नोटबुक्स, पेन्स, एनवेलॉप, ये सारी चीजें भी मिल जाती है जरूरत के हिसाब से। और आपको जितने ये शीशे वाले रूम दिखेंगे ना, ये शीशे वाले ग्लास वाले दरवाजा लगे हुए इधर इधर उधर, वो सारे मीटिंग रूम्स हैं, मीटिंग होते हैं। तो एक मीटिंग रूम आपको यहाँ दिखा देता हूँ, कुछ खट्टा किटाले ऐसे ही नाम होते हैं, खट्टा किटाले। और मीटिंग रूम ऐसा कुछ होता है, इसमें चेयर होते हैं, हालांकि फिलहाल अभी खाली है। तो ऐसा मीटिंग रूम देखिए, यहाँ पे बोर्ड भी है, यहाँ पे टीवी है जहाँ पे आप स्क्रीन प्रेजेंट कर सकते हो। हर रूम में ऐसे ही करके बोर्ड लगे हुए हैं, ऐसे ही करके टीवी लगे हुए हैं, और कैमरा भी होता है ताकि ऑपोजिट साइड में कहीं कोई और दूर जिससे आप मीटिंग में कनेक्ट कर रहे हो वो आपको देख पाए। मज़ा आता है, लोग ऐसे हैं एक दूसरे के साथ ऐसे बैठ के, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता सीन क्यों भाई ये वो, मज़ा आता है। मतलब अब यहाँ पे भी एक मीटिंग रूम है, इसका नाम देख लीजिए, लेडी मरमलाडे। और यहाँ पे भी वैसे ही देखिए, कितना खूबसूरत है। ये देखिए, ये चेयर लगे हुए हैं कितने अच्छे वाले। यहाँ पे फिल्म नहीं देख सकते, सिर्फ अपने लैपटॉप का जो स्क्रीन है वो शेयर कर सकते हो, या फिर कोई और उधर साइड से प्रेजेंट कर रहा है उसको कैमरा में देख रहे हो आप, इसमें देख सकते हो सब कुछ। यहाँ पे आपको एक प्रिंटर भी मिल जाता है जहाँ पे आप जरूरी अपने पेपर कागजात यहाँ पे प्रिंट करा सकते। हमारे ऑफिस का व्यू एंजॉय करना हो ना, तो ये साइड जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ ये सबसे खूबसूरत व्यू वाला एरिया होता है। 3, 2, 1, गो। ये देखो, ये सारे विलाज हैं, बहुत सारे विला हैं। विला में जो बहुत अमीर अमीर बड़े बड़े लोग रहते हैं, करोड़ों रुपए के विलाज हैं, उनके पास खुद का स्विमिंग पूल वगैरह भी होता है, मतलब ऑसम ऑसम। ये सारे करोड़पति के घर, लोगों के घर है ये सब। तो कभी ना कभी ऐसे एक विला में रहने का सपना जरूर है, और आई होप पूरा जरूर होगा कभी ना कभी। अब मैं आ गया हूँ 10th फ्लोर के सबसे अच्छे जगह पे। यहाँ पे है रिक्रिएशन रूम, मतलब यहाँ पे जो हमारे खेलने लायक गेम्स वगैरह सब है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले अपने पास है टेबल टेनिस, मतलब टीटी। यहाँ पे अपने दो दोस्त के साथ, चार दोस्त मिलके टीटी खेल सकते हो जब भी फ्री टाइम है आपके पास। फिर यहाँ थोड़ा आगे चलते ही है कैरम, जहाँ पे दो लोग या फिर अपने चार दोस्त आके भी मस्त खेल सकते हो जब आपके पास फ्री टाइम है। उसके बाद थोड़ा आगे चलते ही चेस है, चेस यहाँ पे भी दो लोग आके मस्त मजे करके खेल सकते हो चेस। और आगे चलते तो यहाँ पे एक गोल्फ कोर्स है, मतलब इंडोर गोल्फ कोर्स है, लेकिन अभी चालू नहीं है ये, भी थोड़ा इस पर आई डोंट नो काम चल रहा है मे बी। अब यहाँ पे आते हैं तो फूस्टाइल बोलते हैं इसको, फुटबॉल जैसा ही गेम होता है जिसको चार लोग या दो लोग मिलके अच्छे से खेल सकते हैं, मजा आता है ये खेल के भी। खेलने मिलने के बाद आपको कुछ खाने पीने पेंट्री की तरफ लेके चलते हैं। चलो, यहाँ सबसे पहले टमाटो सूप का पाउडर है जिसे गर्म पानी के साथ घोल के पी सकते हो, फिर केचप और नमक रखे हुए, और यहाँ देखोगे तो बटर रखे हुए, पीनट बटर और नॉर्मल बटर, जिसको आप ब्रेड के साथ लपेट के मस्त खा सकते हो। अब यहाँ साइड में देखोगेगा तो बिस्किट है अलग अलग टाइप के, यहाँ पे बर्बन बिस्किट है चॉकलेट वाले, और यहाँ गुड डे गुड डे गुड डे। और सामने फिर देखोगे तो मेरीगोल्ड रखी हुई है,
और फिर यहाँ पे ब्रेड है वाइट ब्रेड और सामने है ब्राउन ब्रेड जिसको आप ब्रेकफास्ट में नाश्ते में सुबह खा सकते हैं। और यहाँ देखिए तो सारे पाउडर्स रखे हुए हैं जैसे गुड़, चॉकलेट माल्ट, बादाम माल्ट, ये सारे रखे हुए हैं, स्टीविया, चीनी सब रखे हुए हैं। और ऐसे करके हर फ्लोर पे कॉफी वेंडिंग मशीन जहाँ से कॉफी, दूध, चाय सब आती है। तो ये है अपना पेंट्री एरिया जहाँ पे आप अपना खाना रख के लाके खा सकते हो। यहाँ पे भी टेबल चेयर लगे रहते हैं जहाँ पे आप खाना लाके अपना खा सकते हो। इस टेबल पे भी खाना लाके खा सकते हो आराम से। यहाँ पे टीवी लगी रहती है तो यहाँ पे टीवी में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। और यहाँ पे आपको एक रेफ्रिजरेटर मिल जाता है अगर कुछ ऐसा लेके आते हो जिसको फ्रिज में रखना है, केक वेक बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह के लिए। फिर यहाँ पे दो आपको ओवन भी मिल जाएगा, वेज और नॉन वेज वाला। इसमें वेज गर्म कर सकते हो, उसमें नॉन वेज भी रहेगा तो वो गर्म कर सकते हो। आपको खाना खाने के लिए घर से डब्बा लाने की खाली जरूरत है, बाकी प्लेट यहाँ पे देखिए, बॉल, ग्लासेस सब यहीं मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कॉफी मग्स, ये देखिए। उसके बाद फिर यहाँ पे ग्लासेस भी होती हैं, ग्लासेस में पानी पी सकते हो आप आराम से। चम्मच और फॉक भी होते हैं जिससे आप खा सकते हो मस्त। और खाने वाने के बाद वहाँ जो स्टॉल दिख रहा है उस पे रख सकते हो, जो जिस पे लोग रहते हैं वो ले जाके फिर आपको कोई वॉशिंग यूनिट है उनका, वहाँ जल ले जाके वो धो देते हैं। तो आपको धोने की भी जरूरत नहीं, आपको बस खाने की जरूरत है। कहने को तो ये छोटी छोटी फैसिलिटीज है, बट ये एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा मदद करती है, उनका बहुत टाइम सेव करती है। और बेसिकली क्या होता है कि एक बिलोंगिंग वाला फील देती है कि चलो हम भी यहाँ बिलोंग करते हैं, इतने सारे फैसिलिटीज आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो लोगों का मेंटेलिटी क्या, लोग देखो कॉर्पोरेट में कैसा होता है कि लोग क्या करते हैं, आते हैं एक साल डेढ़ साल बिताते हैं, फिर जंप मारते हैं दूसरे कंपनीज में, अच्छा हाइक मिलता है। तो बट आपको जब आप जब इतना एक्स्ट्रा पर्क्स, इतना बेनिफिट्स देते हो ना, तो एम्प्लॉयज़ क्या होता है कि जाने से पहले एक बार और सोचते हैं कि बॉस मैं यहाँ से स्विच तो मारूंगा, ठीक है वहाँ पर पैसे थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन बाकी सारे बेनिफिट्स जो एसोसिएट हो रहे हैं वो मेरे को आ रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ें भी ज़रूर देखी जाती है। तो वीडियो के बीच में अगर आपके मन में आ रहा है कि इस लड़के को फ्लिपकार्ट में जॉब कैसे मिली, मेरे को मिल सकता है क्या, मैं भी इस ऑफिस में काम कर सकता हूँ क्या, और इससे कमेंट कर दूँ या फिर इंस्टाग्राम में डीएम कर दूँ, शायद ये हेल्प कर दे, तो लेट मी टेल यू गाइस, मैं शायद ही आपको यहाँ पे जॉब दिलाने में हेल्प कर सकता हूँ। बट यस, एक चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ कि हाँ, आप फ्लिपकार्ट के करियर पोर्टल गूगल में फ्लिपकार्ट करियर सर्च करोगे तो वहाँ पे जितनी भी ओपनिंग्स होगी वो आपको शो करेंगी, और वहाँ जाके आप अपना सीवी डाल के अप्लाई करो। अगर आपकी सीवी रिक्वायरमेंट के बराबर होती है तो आपको ज़रूर एक कॉल आएगा, इंटरव्यू दोगे और सेलेक्ट होकर यहाँ पहुँच जाओगे। मेरे लिए आपको जॉब दिलाना या फिर यहाँ मतलब यू नो यहाँ रेफर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट यस, करियर पोर्टल आपके लिए ज़रूर काम करेगा। तो प्लीज़ डू रेफर टू द करियर पोर्टल ऑफ फ्लिपकार्ट, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के। पेंट्री तो आप लोगों को मैंने दिखा दी कि जो लोग खाना लेके आए, जिनका यहाँ घर परिवार है, वो लोग यहाँ पे खाना खा लेंगे अपना खाना लेके। और जो लोग मेरी तरह बैचलर और पीजी में रहते हैं वो कहाँ खाएंगे भैया, है ना कैंटीन अपने पास, ये सामने, चलो दिखाते हैं आप। तो यहाँ है अपना कैंटीन एरिया, ये देखो ये कैंटीन है और ये लिंकिंग टावर के ऊपर से यहाँ पे व्यू है। यहाँ से निकलते हो ना भाई, मजा आ जाता है, मस्त हवा चल रहा होता है, वाह मेरे शेर क्या व्यू है भाई, ये देखो। और यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत व्यू है, ये देखो। आज तो बेसिकली कैंटीन बंद है क्योंकि आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी को ऑफिस छुट्टी है, तो इनकी भी छुट्टी है। तो यहाँ पे भीड़ लगी होती है लंच टाइम में, लाइन लगी होती है, लोग ऐसे लाइन लग के खाना लेते हैं। और यहाँ पे भी भीड़ लगी होती है दो अलग अलग कैंटीन से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये पेड कैंटीन से आपको यहाँ पैसे दे के ही खरीदने होते हैं आपको। और ये नया करके खुला है मोमोज वगैरह, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ट्राई जरूर करना पड़ेगा। और यहाँ बैठ के आराम से अगर धूप सेक सेक के आपको खानी है सर्दी के दिन है, हेलो पिजन, अगर आपको छाया में बैठ के खानी है तो ये भी एरिया यहाँ पे आप बैठ के छाया में खा सकते हो। या फिर अगर आपको अंदर पेंट्री जो मैंने दिखाया वहाँ लेके जाके खानी है, वहाँ ले जाके भी खा सकते हो, रोक टोक नहीं। यहाँ पे अपने आउटडोर स्पोर्ट के लिए भी जगह है, यहाँ पे आप क्रिकेट खेल सकते हो। देखिए यहाँ पे देखो ऑलरेडी कुछ बंदे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, मस्त एकदम मजे कर रहे हैं। ये देखो, ओए क्या शॉट है यार, क्या शॉट है निशांत भाई, धागा खोल दिए, तोड़ दोगे, मस्त एकदम सीन है। देख रहे हो, मस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, ऑफिस आए हैं क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये लोग का शायद ऑफिस है थोड़ा बहुत, तो ये लोग काम कर रहे हैं, काम निपटा उपटा के आके खेल रहे हैं। आए है, क्या शॉट है, पता नहीं यार अपना ये बैक इंजरी वगैरह का नाटक कब खत्म होगा, ये पिछले 2-2.5 साल से अपने साथ ना ऐसा ही हो रहा है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो या फिर पहले मेरे वीडियोस देखे हो, छोटे शॉर्ट्स देखे हो, शॉर्ट वीडियो देखे हो, तो आपको पता रहेगा कि मैं एक बैक इंजरी रिकवरी चैलेंज कर रहा हूँ। 60 डेज, 60 दिन में मैं अपना बैक इंजरी रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिस दिन मैं शूट कर रहा हूँ आज 26th डे, वो फिलहाल क्रिकेट से थोड़ा कट ऑफ चल रहा हूँ। और मैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेटर हूँ फ्रॉम असम, मैंने पहले असम में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट वगैरह खेले हुए हैं। तो अगर मेरे क्रिकेट रिलेटेड वीडियोज देखना चाहते हो, आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो, तो प्लीज डू चेक आउट माई प्रीवियस वीडियोज। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना मुझे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेट रिलेटेड रील्स जरूर डालता हूँ। मेरे रील्स पे 2 मिलियन 1.5 मिलियन 700-800 ऐसे ऐसे वीडियोज है मेरे रील्स में। और इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में है, तो फॉलो जरूर कर लेना। सवाल लेके आओ, जवाब मिलेगी, बट जॉब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, किसी के हाथ में नहीं होता जॉब दिलवाना, जॉब अपने टैलेंट पे ली जाती है। तो आपके पास टैलेंट है, कोशिश करिए, सवाल है पूछिए हमसे, हम जवाब देंगे।
और यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और इंस्टाग्राम पे अनलीज डोमेन्स को फॉलो जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्त। फ्लिपकार्ट हमारे मेंटल एस्पेक्ट्स का भी बहुत अच्छा ख्याल रखता है। हमारे मेंटल एस्पेक्ट्स को ठीक रखने के लिए एक यहाँ पे हमारे पास रूम है, जेन गार्डन बोलते हैं इसको। तो ये देखिए, जेन गार्डन पे आने से पहले हमें यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज लीव योर फुटवेयर एंड वरीज बिहाइंड, और यहाँ पे लिखा हुआ है नो लैपटॉप, नो टॉकिंग, नो फूड, नो फोन, और यहाँ पे चप्पल रख के चलिए चलते हैं अपने जेन गार्डन के अंदर। और ये है अपना जेन गार्डन, ये देखो बहुत खूबसूरत एक जगह जहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो। दिस वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ये देखो आज कोई नहीं है क्योंकि छुट्टी है, बट फिर भी मैं धीरे धीरे ही बात करूँगा इसमें। ये देखो यार कितना खूबसूरत है, देखो यहाँ पे आके आप मेडिटेशन कर सकते हो, यहाँ पे आके बैठ सकते हो, खुद को रिफ्लेक्ट करा सकते हो कि आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, ये सारी चीज़ों के लिए। ये असली के दिए नहीं जल रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि तसली का दिया चल रहा है। तो ये हमारे मेंटल चीज़ों को ख्याल रखने के लिए है यहाँ पे। वाह, और यहाँ देखो यहाँ पे भी बैठ के मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, स्पेशल मैट से जिस पे आप ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज कर सकते हो अपना। इस पे आप खड़े हो सकते हो अपने टोज के ऊपर, इस पे भी आप खड़े फुट रख के इस पे खड़े हो सकते हो अपना। इससे अपना बैक और ये सब रिलीज कर सकते हो, रिलीजिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा है ये। मुझे लगा था कि डुप्लीकेट कुछ है, बट ये असली का पत्थर है गाइस। कहाँ से देखो, सोर्स फ्रॉम महाबलीपुरम। मुझे लगा था कुछ ऐसे नकली का डुप्लीकेट का रखा हुआ है। वाह, यहाँ से साउंड वगैरह शायद बनाई जाती है कुछ। यहाँ पे एक घंटे है जिसको मेडिटेशन में, आपको भी पता होगा मेडिटेशन वगैरह के बारे में जानते हो, तो उसमें से आवाजें निकाली जाती है अलग अलग। सोर्स्ड फ्रॉम ऋषिकेश, ऋषिकेश से लाए गए। देखो इसको, अपने मेंटल एस्पेक्ट को देखना, अपने मेंटल एस्पेक्ट के बारे में जानना है, अपने मेंटल एस्पेक्ट पे काम करना अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है। और मैं अभी इतने टाइम से फ्लिपकार्ट में काम कर रहा हूँ, मैंने ये रूम देखी तो थी एक बार और आया था बीबी का, बट कभी आ नहीं पाता हूँ इस पर, मतलब आके बैठ के खुद के ऊपर काम करने के लिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ खुद को आज इस वीडियो के थ्रू कि महीने में एक बार इसमें मैं ज़रूर आया करूँगा, कि अपने मेंटल एस्पेक्ट का ख्याल अगर मैं नहीं रखूँगा तो कोई और नहीं रख पाएगा। आप लोग भी अपने मेंटल एस्पेक्ट का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो ये है अपना जेन गार्डन, आई होप आपको जेन गार्डन पसंद आया होगा। मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट जगह है शायद मेरे ऑफिस में। तो गाइस कभी कभी ऐसा होता है किसी इंसान को बहुत थकान लगा हो, काम करने का मन नहीं कर रहा हो, नींद आ रहा हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, घर नहीं जा सकता, तो अपने पास सोने की भी जगह है। तो अपन अभी बी ब्लॉक में पहुंच गए हैं, दिखाते हैं आपको सोने वाला रूम जहां मैं सो सकता हूं। जहां अपना मेंस रेस्टिंग रूम, अंदर चलते हैं, अगर शायद कोई सो ना रहा हो उसको डिस्टर्ब कर नहीं देंगे। तेरा कायम रहे धमराज किल्विस। तो मैंने चेकआउट कर लिया है, यहां पे कोई नहीं है। अपने पास तीन ऐसे छोटे छोटे रूम जैसे हैं जिसपे आप सो सकते हो। ये वाला पहला है, देखिए एक यहाँ पे, और एक है दो यहाँ पे, और एक है तीन यहाँ पे। एक तकिया है, बेडशीट है, और एक ब्लैंकेट भी है जिसको आप ओढ़ के मस्त सो सकते हैं। यहाँ पर टेबल भी है जिस पर आप अपना सामान वगैरह रख के, मोबाइल फोन वगैरह रख के मस्त सो सकते हो। ए, हो गया गाइस, बहुत सो लिया। तो सही है, मतलब सोने वोने के लिए है ना। पर ये हमारे हर 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 टावर में, एक्चुअली मैं अभी फिलहाल बी टावर के जो मतलब स्ट्रेस्टिक रूम है उसमें आया हूँ। सर आप लोग इतना कुछ दे ही दिए हो, ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए इतना कुछ दे दिए हो, सोने के लिए कमरा दे ही दिए हो, प्लीज खाना पीना दे दो ना, यहीं रह जाएंगे, काहे पीजी का पैसा भरेंगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बस भगवान करे कि किसी का मैनेजर इसमें उसको सोते हुए ना पकड़ ले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लगता है मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें दिखा दी ऑफिस के बारे में। अब एक ही चीज इम्पोर्टेंट आप लोगों को दिखाना रहेगा कि अपने पास एक मेडिकल रूम भी है, यहाँ पे आप अगर बीमार होते हो तो वहाँ पे जाके डॉक्टर के पास दिखा सकते हो। चलिए प्रस्थान करते हैं ए टावर की ओर, जहाँ पे अपना आखिरी मंजिल होगा मेडिकल रूम। और ये ए टावर और बी टावर का लिंकिंग ब्रिज है, ये देखो यहाँ से लिंक हो रहा है। ए टावर मोस्टली खाली ही रहता है हमेशा, ए टावर पे कोई लोग नहीं रहते हैं, छुट्टियों में भी और नॉर्मल टाइम पे भी। वैसे आज मेरा भी छुट्टी है, तो मैं तो ऐसे ये वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, पास में ही रहता हूँ। तो तो ये देखिए सामने यहाँ पे अपने मेडिकल रूम है, यहाँ पे देखिए वहाँ पे अंदर डॉक्टर बैठी हुई है। अब अंदर जाके आपको नहीं दिखाएंगे, डॉक्टर को परेशान नहीं करेंगे। साइड में बेड वेड भी है, वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। अपने ऑफिस के वॉशरूम्स का ना, ये बहुत बढ़िया बात, यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐसे पानी आया, हाथ धुला, और यहाँ पे ड्रायर की हवा आया और इसे सूख गया। अब खाना खाने के बाद घर पे जब हम पर्दा में हाथ पोंछते हैं तो मम्मी साला गरिया के निहाल कर देती। अब मम्मी को कौन बताए हाथ धो के सुखाना, पोंछना भी नहीं पड़ता, सुखाने के लिए हैंड ड्रायर लगा हुआ है। बताओ तो मम्मी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो ये हैंड ड्रायर लगा लो, तो हम खाना खाने के बाद पर्दा में हाथ नहीं पोंछेंगे। अरे हाथ बढ़िया से सूखा नहीं, सुखा लेते हैं, रुकिए मम्मी फिर बतियाते हैं आपसे फोन करके, बाद में फोन करते हैं आप। यहाँ बढ़िया बढ़िया सामान है, ये देखो अभी जूस वूस है, ट्रॉपिकाना वोपिकाना। अब साला हमको पहली बार जब
आई थी, साला बोले ये साला गजब चीज है फ्री में दे रहे हैं, हम गए लेने, फिर पता चला साला इसके लिए पैसा देना पड़ता। यहाँ पे नंबर डालोगे ना तो खुल के अपने से गिर जाता है यहाँ से सामान, ढक से उठा लो, गजब चीज है बताओ, दे ही रहे हो तो देखो सब क्या क्या है, दे ही रहे हो तो फ्री में दे दो। नहीं अबे साले, हमको ना बहुत जोर से प्यास लग गया है, मतलब बढ़िया है, थोड़ा सा पहले गर्म पानी इसमें अब लेंगे, इसमें मिक्स करेंगे ठंडा पानी। ये उम्र में सारे लोग क्या करते हैं कि शराब में और पानी का मिक्सचर मिलाते हैं, कितना शराब और कितना पानी है उसका हिसाब मिलाना पड़े, और मैं देखो कितना गर्म पानी और कितना ठंडा पानी मिलाएंगे तो पीने लायक होगा इसका हिसाब लगाते हैं। जिंदगी है भैया, ना दारू शराब ना लौंडिया बाजी। ओहो, नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। पर खुश है मैं जिंदगी से, ये जिंदगी का मजा अलग है, ना शराब ना दारू ना लौंडिया बाजी ना दोस्ती ज्यादा यारी, अपना काम करो अपना कर्म करो अपना धर्म करो और जिंदगी किस अच्छे राह पे चलते चले जाओ, ये बढ़िया है गुरु, हमको इसमें बहुत मजा आता है। जिंदगी में कहेगी कुछ सफलता अगर कुछ हासिल करना हो तो अच्छे राह पे सही राह पे चलना बहुत जरूरी होता है। हम ये नहीं कह रहे कि शराब दारू पीना मतलब अपना लाइफ एंजॉय करना गलत है, बट हमको जो सही लगता है हम वही करते हैं, तो आपको भी जो सही लगता है वही करिए, और आप एक चीज याद रखिएगा, आप जो करते हैं आपको उसी का फल मिलता है। तो ये देखिए शाम और अंधेरा हो गया और लाइट जल चुका है, लाइट जलने के बाद देखिए और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, अभी थोड़ा और अंधेरा हो तो और ज्यादा लाइट जलेगा और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो महाराज एक बात बता देते हैं कि देखिए इतना सारा चीज दिखाने के लिए ना फ्लिपकार्ट ऑफिस में कि साला एक दिन में दिखाएंगे ना तो एक ब्लॉग में कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिए, तो दूसरा पार्ट भी इसका लेके आएंगे। आप जो फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन सामान खरीदे हो तो इस जगह से एक लैपटॉप के सहारे एक चेयर पर बैठ के बंदा वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है आपके घर। आप अगर कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में बैठे और आपको डिलीवर हुआ है कोई सामान, तो याद रखिएगा कि यहाँ से किसी न किसी बंदे ने उस चीज़ पे एक ना एक बार काम किया है, उसके वजह से आपको वो सामान पहुँचा है। कितना खूबसूरत चीज़ है ना, यही हमारा फ्लिपकार्ट है, यही हमारे फ्लिपकार्ट का कल्चर है, और यही कल्चर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं एज अ फ्लिपस्टर। और फ्लिपकार्ट में जो लोग काम करते हैं उन्हें फ्लिपस्टर्स कहा जाता है, फ्लिपस्टर्स। तो अगली बार जब आपके घर पर फ्लिपकार्ट से कुछ शिपमेंट डिलीवर हो तो याद रखना इस जगह से किसी न किसी ने काम किया है बंदे ने बैठ के दिन रात, तो जाके वो शिपमेंट आपके घर पहुंचा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम पर भाई को फॉलो कर लेना प्लीज, यहाँ पे आना डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, तो फॉलो जरूर कर लेना। मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही एक अमेजिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय आओ, बाय। I met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you.